सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12 का अभ्यास हमने दोहरा लिया था। बच्चों, आज हम थोड़ा सा व्याकरण की तरफ चलते हैं, व्याकरण की किताब में कुछ अभ्यास करेंगे। जैसे कि आज हम शुरुआत करेंगे गिनती से, तो गिनती 1 से 50 आपको याद करनी है। आज हम 1 से 20 तक गिनती लिख करके पढ़ने और लिखने दोनों का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। तो पहले हम पढ़ चुके हैं, आज हम लिख करके पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो अभ्यास है हिंदी की गिनती, यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी की गिनती। ग पे छोटी की मात्रा, न त पे बड़ी की मात्रा। बच्चों, हिंदी की गिनती जैसे इंग्लिश में हम काउंटिंग्स पढ़ते हैं 1 2 3 4, और एक बार हमने 100 तक गिनती सीख लिया उसके बाद खुद हमें आ जाती है, उसी तरह यहाँ पे आज हम हिंदी की गिनती लिखेंगे और इन्हें लिखना और पढ़ना, लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम 1 लिखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम हिंदी इंग्लिश की काउंटिंग्स लिखते हैं, उसी तरह आज हम हिंदी की गिनती लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 1, सबसे पहले 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे ए और क, एक। यह है एक, हमने इंग्लिश में 1 लिखा, हिंदी में 1 लिखा अंक में, और उसके बाद एक अक्षर में लिखा। फिर दूसरा है हमारे पास 2, 2, 2 हम लिखेंगे हिंदी में, उसके बाद हम लिखेंगे द पे ओ की मात्रा 2, ये हो गया 2। फिर हम लिखेंगे 3, यानी 3, और 3 हम इंग्लिश की गिनती की तरह ही लिखते हैं लेकिन नीचे कट कर देते हैं, और यहाँ लिखेंगे त पे बड़ी की मात्रा 3 और न 3। उसके बाद हम लिखेंगे 4, 4 हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, च पे आ की मात्रा 4 और र 4। फिर लिखेंगे 5, 5, 5 हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, प पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु और छ 5। उसके बाद हम लिखेंगे 6, 6 लिखेंगे हम 6, उल्टा 3 और नीचे, उसके बाद 6, ये 6 हो गया 6। फिर लिखेंगे 7, 7 हम इस तरह से लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे स पे आ की मात्रा 7 और त, तब तक आप इतना लिख लीजिए 7। उसके बाद 8 हम लिखेंगे 1, 1, 1, 1, 2, द पे ओ की मात्रा 2, 3, त पे बड़ी की मात्रा न 3, 4, च पे आ की मात्रा और र 4, 5, प पे आ की मात्रा और च 5, 6, 6, 7, ये है 7। अब हम 8 लिखेंगे और बच्चों 8 हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 हम इस तरह से लिखेंगे 8, आ और ठ 8, ये हमारा 8 है, इस तरह से हम 8 लिखते हैं। तो हम ये 8 लिखा हमने और उसके बाद हम लिखेंगे 9, उसके बाद हम इतना आप लिख लीजिए 9 लिखते हैं, 9, 9 हम 1 की तरह ही लिखते हैं लेकिन उल्टा न पे ओ की मात्रा 9, ये है 9। और उसी तरह फिर हम लिखेंगे 10, 10 हम इस तरह से लिखेंगे द और स 10। तो ये हो गया आपका 1 से 10 तक गिनती जो हमने कक्षा 1 में पढ़ी थी। तो आप इसे पहले लिख करके दोहरा लीजिए और इस कक्षा में भी हमने एक बार पढ़ा है, आप सभी को लिखना आता होगा, एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। 1, 1, 2, द पे ओ की मात्रा 2, त पे बड़ी की मात्रा 3, न 3,
च पे आ की मात्रा चार, चार अ पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु पांच, पांच छ पे दो बिंदी छ, स पे आ की मात्रा सा और त सात, आठ आठ, नौ और दस। इतना आप सभी ने लिख लिया होगा, पढ़ना भी आ गया होगा आपको। चलिए हम आगे की गिनती लिखते हैं। अब आगे हमारे पास है ग्यारह, ग्यारह। अब हम ग्यारह लिखेंगे, दो बार एक लिखेंगे ग्यारह हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ग्यारह ये है, वन वन इलेवन हिंदी में हम लिखेंगे, दो बार एक लिखेंगे और ये हो गया आपका ग्यारह। हम यहाँ लिखेंगे ग्यारह, ग्यारह। उसके बाद है एक और दो, बारह, वन टू ट्वेल्व हम लिखेंगे, एक और दो ये हो गया बारह। ब पे आ की मात्रा र और ह, बारह ये हो गया बारह। फिर हम लिखेंगे तेरह, एक और तीन तेरह, ये है तेरह, ते र ह तेरह। फिर हम लिखेंगे एक चार, यानी कि फोर्टीन, वन एंड फोर फोर्टीन, एक चार चौदह, ये आपका हो गया चौदह। च पे अ की मात्रा चौ द ह चौदह। फिर हम लिखेंगे वन फाइव फिफ्टीन, यानी कि एक और पाँच पंद्रह, प पे बिंदी द्र और ह पंद्रह, ये हो गया पंद्रह। उसके बाद है सोलह, सोलह एक और छ सोलह, स पे ओ की मात्रा सो ल और ह सोलह। अब हम लिखेंगे सत्रह, एक सात यानी सेवेंटीन, वन सेवन सेवेंटीन और एक सात सत्रह, ये सत्रह हो गया सत्रह। फिर है हमारे पास अठारह, इसके बाद हम लिखेंगे अठारह, इतना आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे का भी लिख रही हूँ। सत्रह, सत्रह के बाद हमारे पास है अठारह, एक और आठ, आठ आपको लिखना आ गया है, एक और आठ लिख करके हम अठारह बनाएंगे। एक वन एट एटीन, उसके बाद है वन नाइन नाइनटीन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नौ, ये नाइनटीन हो गया। उन्नीस, उन्नीस उन्नीस, उसके बाद हमारे पास है बीस, ब बीस, पहले हम बीस लिखेंगे, बीस तो लिखेंगे ब पे बड़ी की मात्रा बी और स बीस। इस तरह से हमने यहाँ पे गिनती लिखना सीखा। तो कौन सी गिनती? हिंदी की गिनती। तो बच्चों इंग्लिश के काउंटिंग की तरह हिंदी में भी गिनती होती है, यहाँ पे हमने लिखना और पढ़ना दोनों सीखा। तो चलिए ये है एक एक ग्यारह, एक एक ग्यारह, एक और दो बारह, एक और तीन तेरह, एक और चार चौदह, एक और पाँच पंद्रह, एक और छः सोलह, एक और सात सत्रह, एक और आठ अठारह, एक और नौ उन्नीस और दो और शून्य बीस। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गिनती लिखी है और हमने यहाँ पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास किया। तो इससे संबंधित हम अभ्यास भी कर सकते हैं। वस्तुएं आपको दी गई होंगी, आप वस्तुओं के को गिनोगे और गिन करके लिखोगे। तो चलिए हम एक अभ्यास करते हैं, इन अंकों से जुड़े अभ्यास। इसे आपने लिख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, याद भी हो गया होगा आपको 20, और इसी तरह से आप 50 तक गिनती लिख करके याद करेंगे। अब हमारे पास है
अभ्यास, गिनती से संबंधित अभ्यास, गिनती से संबंधित अभ्यास। अब यहाँ पे आप वस्तुओं को गिनेंगे और उसके सामने उसका अंक हिंदी में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहली वस्तु है, ये है एक दो तीन। तो हम यहां लिखेंगे पहले हिंदी वाला तीन लिखेंगे और उसके बाद त पे बड़ी की मात्रा और न तीन लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहां पे है एक दो तीन चार, फिर उसके बाद है पांच छः। अब यहाँ पे हम लिखेंगे गिन करके छः, पहले हम हिंदी की गिनती लिखेंगे उसके बाद छः लिखेंगे। तो यहाँ पे दिए गए वस्तुओं को गिन करके हम उसके सामने अंक भी लिख रहे हैं और अंक को हम अंकों को भी लिख रहे हैं और उसके साथ अक्षर में भी गिनती को लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है यह है आइसक्रीम कोन, यह है एक एक। तो हम यहां लिखेंगे ए और क एक। इसी तरह से जो भी वस्तु में दी गई होंगी उनके उन चित्रों को या वस्तुओं को गिनेंगे और गिनकर अंक में और शब्दों दोनों में गिनती लिखेंगे। तो चलिए हम कुछ और इसी तरह से अभ्यास करते हैं। पहला तीन गेंद थे, हमने लिखा गिना एक दो तीन और इसके सामने हमने तीन अंक में लिखा और शब्द में लिखा। यहाँ पे पांच सेब हैं, एक दो तीन चार पांच छह सेब है, तो हमने यहाँ पे छह लिखा और उसके बाद छह अंक में लिखा। उसके बाद एक यहाँ पे आइसक्रीम कोन है। तो चलिए कुछ और अभ्यास हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फूल है, फूल एक दो तीन चार और पांच। तो यहां पे हम लिखेंगे एक दो तीन चार पांच, हम यहां पे लिखेंगे पांच और यहां पे लिखेंगे फ पे आ की मात्रा, सॉरी ये पांच ऐसे बनाएंगे और लिखेंगे पांच पांच। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टॉफीज है, एक दो तीन चार पांच छः सात। तो हम इन्हें गिनेंगे वन एक दो तीन चार पाँच छ सात और लिखेंगे सात सात। उसके बाद हमारे पास है छड़ी है, छड़ी छोटी छोटी छड़ी है, इसको हम गिनेंगे और लिखेंगे। जो भी है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। तो हम यहां लिखेंगे नौ, पहले हम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे नौ पे औ की मात्रा नौ। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो भी
जितने भी वस्तुएं दिए गए थे वस्तुओं को हमने गिना और गिन करके उनके सामने उनका नंबर लिखा। तो इसी तरह हम आगे भी और भी जो भी अभ्यास दिए जाएंगे उसमें आपको जो भी वस्तुएं दी होंगी उनको गिनेंगे और जो भी नंबर है पहले आप उनको अंकों में लिखेंगे और उसके बाद आप उसके सामने उनको अक्षरों में लिख करके अभ्यास को पूरा करेंगे। तो बच्चों आप गिनती याद करिए, हमने 1 से 20 तक गिनती लिखी है, आपको 1 से 50 तक गिनती लिख करके याद करना है। आप इसे लिखेंगे, बोलकर पढ़ेंगे और उसके बाद इस तरह के अभ्यास करके आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।